गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज से आप लोगों की एक्सरसाइज 14 भी स्टार्ट होने जा रही है। इस एक्सरसाइज में क्या है, आपको थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। मतलब थीटा का मान ज्ञात करने के लिए हमें साइन की वैल्यू पता होनी चाहिए कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है। यानी थीटा का मतलब होता है एंगल, यानी हमें कोण की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो देखिए, मैं अभी आपको स्पेसिफिक टेबल एक छोटी सी बना देता हूं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि वैल्यू कैसे निकालते हैं। देखिए, मैंने इसको दो पार्ट्स कर रखे हैं। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं यहां पे, देखिए साइन थीटा, ठीक है। यहां पे मैंने ऊपर 0 डिग्री, थर्टी डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और सबसे लास्ट में 90 डिग्री। इन सारी डिग्रीज की वैल्यू पता होनी चाहिए साइन कॉस 10 की, तभी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 की वैल्यू होती है 3/2 और साइन 90 की वैल्यू होती है हमारी 1। तो ये साइन में सबकी वैल्यूज आ गई। तो यहां से अगर हम थीटा हटा देते हैं तो ये एंगल साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 की डिग्री की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की √3/2 एंड साइन 90 की वैल्यू 1। ऐसे ही जब कॉस की फाइंड आउट करते हैं, तो देखिए हमने आपको पहले बताया था इन सब को निकालने की ट्रिक्स होती है। अगर आपको साइन की वैल्यू पता है, ऑटोमेटिकली आप कॉस की निकाल सकते हैं। कॉस की कैसे निकालेंगे, पलट दीजिए, यानी यहां से खत्म किया था यहीं से शुरू कर दीजिए 1, फिर इसके बाद √3/2, इसके बाद ये वाली वैल्यू आ गई 1/√2, फिर ये 1/2 एंड लास्ट में, ठीक है स्टूडेंट। अब एक वैल्यू आती है 10, 10 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें। 10 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 10 जीरो डिग्री की वैल्यू हमेशा याद रखिए होती है हमारी 0, 10 30 की वैल्यूज हमारी होती है 1/√3, 10 45 की वैल्यू होती है हमारी 1, 10 60 की वैल्यू होती है 1/√3 और 10 90 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। आपके लिए इस एक्सरसाइज के सब पढ़े और इसको मैंने आपसे
माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, तो थीटा का मान क्या है? सबसे पहले जो दिया है वो नोट डाउन कर लीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। ध्यान से देखिए, सबसे पहले 1 को जंप करा के उधर ले जाइए, क्योंकि हमने बताया था डिजिट डिजिट एक साथ रहती है, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस का था तो ये एज इट इज बना रहेगा, 1 जंप करके उधर जाएगा तो 1 माइनस का हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहा, इसके अपॉन में 1 मान लिया, 2 एलसीएम ले लिया, तो 1 माइनस 2, तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ गया माइनस का 1 अपॉन 2। माइनस का 1 अपॉन 2 कैसे आया? 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट होगा, नहीं तो हम लोग क्या करते, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते तो 1 आ जाता है, पर निशान हमेशा उसका लगाते हैं जो संख्या बड़ी होती, 2 बड़ा था तो 2 के बगल में माइनस था, इसलिए यहाँ पे हमने माइनस कर दिया। अब देखिए, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन 2, ये माइनस कट हो गया, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट 1 अपॉन 2। अब देखिए, अंडर रूट 1 अपॉन 2 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1 का स्क्वायर रूट भी 1 होता है, 1 का क्यूब रूट भी 1 होता है, तो 1 का तो 1 ही होता है, 1 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर रूट निकलता नहीं है, इसीलिए ये अंडर रूट 2 ऐसे ही बना रहेगा। अब अंडर रूट साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 अपॉन अंडर रूट 2। अब साइन में 1 अपॉन अंडर रूट 2 ढूंढिए कहां लिखा है, साइन में 1 अपॉन अंडर रूट 2 ये लिखा हुआ है, और ये किसकी वैल्यू होती है हमारी 45 डिग्री की, तो देखिए इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री। अब फिर साइन से साइन कट, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री हमारा क्या आ गया स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, ये सम थोड़ा सा लंबा था क्योंकि डिजिट बड़ी थी, जंप कराना पड़ा, तो आप लोगों को सबको पता ही है कैसे करके क्या सॉल्व करते हैं, तो ये मैंने दूसरे क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया, थीटा इज इक्वल टू कितना गया 45। तो स्टूडेंट इन क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए, और एक क्वेश्चन और बताता हूं, और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज के स्टार्टिंग के 3 सम्स कंप्लीट हो गए। मैं सारे सम्स बताऊंगा आपको, आप लोग परेशान मत होइएगा, क्वेश्चन नंबर 3 बताने जाऊंगा इसके बाद, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। देखिए सर, तीसरा क्वेश्चन है आपका, यदि कॉस ए बराबर √3/2, तो कॉस 2a का मान ज्ञात कीजिए, इस ए एंगल के बगल में 2 लग गया, तो हम ए एंगल फाइंड आउट कर लें, इसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, निकल आएगी, तो देखेंगे ऐसे कॉस ए बराबर दे रखा है √3/2, वही काम कॉस में √3/2 ढूंढिए कहां लिखा है, कॉस में √3/2 आपका ये मिला, ये किसकी वैल्यू होती है 30 डिग्री, तो यहां पे हम क्या लिखते हैं √3/2 की जगह कॉस ए तो एज इट इज रहने दें, इसकी जगह लिखते हैं कॉस 30 डिग्री, कॉस से कॉस कैंसिल, तो ए इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, ए की वैल्यू हमारी कितनी आ गई स्टूडेंट 30 डिग्री। हमको फाइंड किसकी वैल्यू करनी है, फाइंड आउट करनी है कॉस 2a की वैल्यू। ठीक, तो कॉस ऐसे रहने दीजिए, 2a की जगह पे क्या लगा लीजिए 30, तो cos 2a 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है ढूंढिए, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो cos 60 डिग्री क्या लिख देंगे 1/2, ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, इस सम में थोड़ा सा ट्विस्ट क्या था, हमेशा आंसर हमारा ये खत्म हो जाता था, बल्कि अब की कह रहा था cos 2a का मान ज्ञात कीजिए, तो cos लिखा, 2 ऐसे ही लिखा, a की वैल्यू 30 आ गई, a की वैल्यू रखी, मल्टीप्लाई किया 60 मिला cos 60 डिग्री, तो टेबल में आपने तुरंत cos 60 ढूंढा, ये मिला, और cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो फट से हमने cos 60 की जगह सीधे सीधे क्या लिख दिया 1/2। तो स्टूडेंट आज आपके 3 सम्स कंप्लीट हो गए।
और ये भी स्टार्टिंग है डिग्रीज की वैल्यू वाली, धीरे धीरे सब समझ में आने लगेंगे। ये मैं आपको बुक दिखा रहा हूं, आपके पास ये बनी है टेबल, ये देखिए ये बनी है टेबल। तो ये पूरी टेबल आप लोग लर्न कर लीजिएगा, और नहीं लर्न कर पाएंगे तो मैं आपको पूरी ट्रिक बताऊंगा कि किस तरीके से सम्स को करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, तो आप लोगों को आसानी से सब चीजें समझ में आ जाएंगी। अभी आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है साइन कॉस टेन, इन तीनों की वैल्यूज को याद करना, इसको याद कर लीजिए। बाकी टेबल के बारे में मैंने बताया है, अगर आप लोग बोलेंगे हमसे कि सर हमको एक बार टेबल बनाना सिखा दीजिए, तो केवल आपको साइन की वैल्यू लर्न होनी चाहिए। मैं साइन की वैल्यू के साथ ही मैं सबकी वैल्यूज आपकी फाइंड आउट करा दूंगा। ये मैंने 8th क्लास में वीडियोस बनाई थी, वो आज मैं आपको ग्रुप में सेंड भी करूंगा, जिससे आप लोगों को टेबल बनाना आ जाए। फिर भी नहीं समझ में आए तो आपको मैसेज या कॉल करके पूछिएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।